हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आई होप एवरीवन इज वेल। थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा वीडियो किस बारे में है। मेरे को लगा ये वीडियो बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो गए होंगे सुन सुन के। कभी कोई कह रहा है पुश पुल लेग्स फॉलो करो, कभी कोई कह रहा है अपर लोअर बॉडी फॉलो करो, कभी कोई कह रहा है ब्रो स्प्लिट फॉलो करो। तो वंस एंड फॉर ऑल मैं आप लोगों को सिखा दूंगा दो बहुत ही सिंपल टिप्स और स्टेप्स में कि कैसे आप अपना खुद का सबसे परफेक्ट वर्कआउट प्रोग्राम बना सकते हो अगर आपके गोल हाइपरट्रॉफी, मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग है। ये वीडियो ऑब्वियसली जिनका गोल पावर लिफ्टिंग है या स्ट्रेंथ गोल्स है उनके लिए नहीं है। दोनों में फ़र्क भी मैं इस वीडियो में समझा दूंगा कि क्या होता है मसल बिल्डिंग में और स्ट्रेंथ बिल्डिंग में। और इसके अलावा एक लाइफ अपडेट ये, जो जो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है उसे पता होगा कि मैंने अभी एक पपी लिया है। इसका नाम मैंने रैम्बो रखा है। रैम्बो इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास पहले भी एक जर्मन शेफर्ड होता था, उसका नाम रॉकी था। और रॉकी नाम उसका इसलिए रखा था क्योंकि मेरी फेवरेट फिल्म है मेरी और मेरे डैड की, रॉकी 4। वो देखते हुए प्लान फाइनलाइज हुआ था उसे लेने का। मेरा लाइफ का पहला डॉग था, तो मैं चाहता था इसका नाम भी मैं सिल्वेस्टर स्टैलिन के किसी आइकॉनिक कैरेक्टर पर रखूँ, जो मेरे ख्याल में रॉकी बैल्बोआ के बाद रैम्बो मूवी से रैम्बो ही है, तो इसलिए मैंने इसका नाम रैम्बो रखा। मैंने 6 साल बाद दूसरा कुत्ता अडॉप्ट करा है, क्योंकि मेरे को और किसी का तो पता नहीं, मेरा मन नहीं था रॉकी के बाद दूसरा पेट लेने का है, डॉग लेने का। फिर मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले सोचा कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये बस पूरा दिन कुछ नहीं करता, चीज़ें तहस नहस करता है, खाता है, पीता है, सो जाता है। इसे समझ भी नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। इससे पहले कि ये कैमरा को तोड़ने के लिए आए, हम वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अपना वर्कआउट प्रोग्राम कैसे बनाना है, मैं आप लोगों को स्ट्रेंथ बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग में एक डिफरेंस समझा देता हूं कि क्या होता है। देखो, वैसे तो दोनों टेक्निकली देखा जाए तो हैंड इन हैंड जानी चाहिए, कि आपकी बॉडी जितना मसल मास कैरी कर रही है उतना ही ज़्यादा वेट उठाओगे। जैसे मान लो अगर आप 5 किलो का डंबल उठा रहे हो और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 10 किलो का उठा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ तो मसल मास गेन करा होगा। लेकिन जब हम स्ट्रेंथ बिल्डिंग की बात करते हैं तो हमारा CNS इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है वेट को लिफ्ट करने के लिए हमारे पास मसल मास तो होता है लेकिन हमारा CNS प्रिपेयर्ड नहीं होता उस वेट को या उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब एग्जांपल के लिए आप रोनी कोलमैन को ही ले लो, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट मस्कुलर गाइस टू हैव एवर एग्जिस्टेड। उनका ऑफ सीजन वेट 140 से 150 केजी के अराउंड रहता था बॉडी वेट, और उनका डेडलिफ्ट PR था 370 केजी के आसपास। और अभी जो करेंट IPF के अंडर 83 केजी के कैटेगरी में डेडलिफ्ट PR है असीन एनाहोरो का, वो है 362.5 केजी का। तो आप देखो डेडलिफ्ट PR ऑलमोस्ट सेम है लेकिन बॉडी वेट में या मसल मास में 60 टू 70 केजी का डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने बोला, जब आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करते हो तो आपकी बॉडी अलग ही तरह से काम करती है, आपका CNS अलग तरह से ट्रेन होता है। और जब आप मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, हाइपरट्रॉफी इस तरह की ट्रेनिंग करते हो तो आप अपनी बॉडी को एकदम अलग तरह से ट्रेन करते हो। विद दैट बीइंग सेड, अब बात करते हैं कि आपको अपने लिए सबसे परफेक्ट मसल बिल्डिंग / हाइपरट्रॉफी / बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम कैसे बनाना है। देखो, आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आपको अपने हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 से 3 बार हिट करना है। 3 बार उन मसल ग्रुप को हिट करना जो थोड़े वीक हो। हर मसल ग्रुप को मत 3 बार हिट करने लगना। जैसे मान लो किसी के लेग्स और ट्रैप्स वीक है, तो कोशिश करो वर्कआउट प्रोग्राम ऐसे डिजाइन करो कि आपके लेग्स और ट्रैप्स हफ्ते में 3 बार हिट हो रहे हो। पर ये कैच, जो दूसरा पॉइंट है, वो पहले के साथ इंटरलिंक्ड है, ऐसे कि आपको हर मसल ग्रुप के 15 से 20 सेट्स ही करना है। 15 से 20 सेट्स को आपको एक्सीड नहीं करना है। जैसे अगर आपको लेग्स अपनी हफ्ते में 3 बार ट्रेन करनी भी है तो आपके टोटल जो हफ्ते के सेट्स हैं वो 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हफ्ते में 3 बार जाके लेग्स डे कर रहे हो, 5-5 एक्सरसाइजेस कर रहे हो, 4-4 सेट्स कर रहे हो और आपके हफ्ते के 60-70 सेट्स हो गए। नहीं, करना है आपको 20 सेट्स ही हैं मैक्स टू मैक्स, लेकिन आपको डिज़ाइन इस तरह से करना है कि वो हफ्ते में 2 से 3 बार हिट हो रहा हो। तो बस ये 2 सिंपल सी टिप्स हैं, इन्हें आप दिमाग में रखते हुए जो भी वर्कआउट प्रोग्राम बनाओगे, लिटरली कुछ भी बनाओगे, वो एकदम परफेक्ट बनेगा कि हर मसल ग्रुप 2 से 3 बार हिट हो रहा हो और हर मसल ग्रुप के 15 से 20 सेट्स हो। जैसे कुछ लोगों के आर्म्स
आर्म्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो आर्म्स के 15 ही सेट्स रखो, और कुछ लोग के जैसे मैंने अभी बताया लेग्स और ट्रैप थोड़े वीक होते हैं तो उन पे 20 सेट्स इन्वेस्ट करो। अब थोड़ी और बेटर रेफरेंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना खुद का वर्कआउट प्रोग्राम भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो कि मैंने इन्हीं दो प्रिंसिपल्स पे बना रखा है, ताकि आप लोग को एक और बेटर आइडिया लग जाए कि कैसे डिजाइन करना है। और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ये भी है कि थ्रू द वीक ना आप अपनी चीजों को चेंज करते रहा करो, चेंज ऐसे करते रहा करो। जैसे मेरा ये हफ्ता थोड़ा बिजी गया, मैं बिजी था तो मैं अपने पुल डेज पे और पुश डेज पे अपने आर्म्स को नहीं ट्रेन कर पाया, तो आज मेरा टेक्निकली वैसे रेस्ट डे है, पर मैं जाके सिर्फ आर्म्स ट्रेन करके आ जाऊंगा, दो दो या तीन तीन एक्सरसाइज बाइसेप की और ट्राइसेप की करके आ जाऊंगा। तो आपको ऐसे थोड़ा खुद से चेंजेस भी करने पड़ेंगे ताकि आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाओ। दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो, इसके आगे मैं अपना आर्म्स वर्कआउट डाल दूंगा। ऑल्सो निकलने से पहले मसल ब्लेज की बायोजाइम परफॉर्मेंस सीरीज का नया प्रोटीन लॉन्च हुआ है चॉकलेट फज फ्लेवर में, इसमें एस्ट्रोजन और क्रिटीन ऑलरेडी एडेड है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप इसे या और कोई मसल ब्लेज का प्रोडक्ट लो तो डोंट फॉरगेट यूजिंग माई कोड ईशान MB। और अब निकलते हैं जिम के लिए। What do I do if I'm scared of what people think? From my perspective, it's just such an odd question because I forget kind of how to view it that way. How do you not understand how to not give a flying fuck? Just let go, man. If you're scared of what people are going to think of you or what you're posting and you're scared of being judged, bro, one day you're literally going to fucking die. You're going to be dead off of this earth one day and you're really going to like sit here and spend time not doing something that you know can benefit you down the line because of what others think. It's just such like a pathetic excuse. How do you not understand how to not give a just think it's time to let go of all this insecurity and do whatever the fuck I want. When I was younger, I just would tell myself every day, one day I'm going to do this, one day I'm going to do that. That's just the mentality that you have to have. It's a really competitive industry. Honestly, I had no plan. It was just fitness or nothing. Accomplishing good, dude. I had it bad. I might have honestly had 675.